हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। जी हसन भाई ने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और वो मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। हम वो किले के बहुत नज़दीक हैं। एक तरफ ये देखें सड़क जा रही है और एक तरफ ये दरिया बह रहा है जी। और दरिया के पास चलने का ये फ़ायदा है कि हमें थोड़ा सा वो कहते हैं कि ठंडी हवा भी फील हो रही है। हसन भाई बता रहे हैं कि पहले जब विंटर टाइम आता है तो वो बर्फ़बारी में इस जगह पे आए थे, तो अभी बर्फ़बारी में तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर जी जी विंटर टाइम में तो ये बहुत बर्फ़बारी थी इधर, मतलब कि यहाँ पर स्लिपी ये वे था। हाँ तो बहुत मुश्किल था। मैं उस टाइम आया था अपनी वाइफ के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ लेकिन अभी कुछ अच्छा लग रहा था। अभी समर टाइम में तो मज़ा है ना जी, समर टाइम में ठीक है। बर्फ़बारी में तो आना मेरे लिए आना तो बड़ा मुश्किल है। मुझे तो वैसे सर्दी बड़ी लगती है तो ले जी हम रास्ते की तरफ आ गए हैं और साथ सीढ़ियाँ भी हैं और साथ ये पत्थरों का रास्ता भी है। यहाँ से ऊपर से आप पूरा व्यू देख सकते हैं विल्नेस का ना। हाँ ओ मुझे तो सांस चढ़ गया जी। सांस तो अभी और चढ़ेंगे क्योंकि मैं शायद आधे पौने घंटे से वैसे ही चल रहा हूँ और हसन भाई को मिला और हसन भाई ने कहा चलो फिर पहाड़ के उत्ते चलिए। रास्ता जी हसन भाई ने विल्नेस के टॉप पे मुझे लेके जा रहे हैं और मुझे टीवी टावर भी अभी नज़र आ रहा है। वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है जी। और चढ़ाई का काम करना वाकई बड़ा मुश्किल है जी। और मुझे टीवी टावर भी अभी उधर से नज़र आ रहा है और हसन भाई काफ़ी ऊपर चले गए हैं जी, उनके पीछे दौड़ लगाते हैं। ऊपर का व्यू वैसे बड़ा मज़े का होगा, ऊपर जा के देखते हैं सिटी का। ये देखें जी पहाड़ी के ऊपर से सिटी कैसा नज़र आ रहा है। और इधर से वो जो टीवी टावर है वो भी हमें नज़र आ रहा है और ये पूरा विल्नेस सिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर। हसन भाई मुझे छोड़ के और ऊपर चले गए हैं तो हम उनके पीछे पीछे चलते हैं जो देखते हैं वो हमें आज के दिन लेके जा रहे हैं। निकल गए और मैं उनके पीछे पीछे अभी जा रहा हूँ जी, वो सामने नज़र आ रहे हैं मुझे। वाह इस तरफ से भी सिटी का नज़ारा करते हैं जी। हसन भाई बहुत खूबसूरत है सिटी। वाह माशाल्लाह। यहाँ से आप लोग मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये व्यू है और अब हम नीचे की तरफ जाएंगे वापस, तो कुछ रास्ते और हैं वो एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि आगे कैसी चीज़ें करनी है और आगे है क्या। कोशिश करेंगे आपको जितना हो सके हमसे हम आपको दिखाएंगे और हम नीचे भी जा रहे हैं वापस। मैं उनके साथ डिस्कशन करता रहूँगा और हसन भाई हमें नीचे का और भी चीज़ें कहते हैं दिखाते हैं। साथ पार्टनर तो रहें जी हमारे साथ और देखते हैं जी विल्नेस सिटी आगे हम आपको दिखाते हैं। ये आपको एक व्यू यहाँ से देखो, ये भाई हैं भाई काफ़ी हैं और
मज़ा आ गया हसन भाई, क्या बात है बिल्ला सिटी की ना, बहुत खूबसूरत है जी, बहुत खूबसूरत है। पानी वानी पीना है आपने? पानी पीते हैं जी, पानी पीते हैं क्योंकि मैं थक गया हूँ। नीचे छाँव में चल के ना पी, नीचे जाके इधर से ना ले। नहीं पानी तो मैं लाया हुआ हूँ। आप वाह, पूरा ये देखें जी, लोकल बंदे का ये फ़ायदा कि सारे अरेंजमेंट उनके पास पहले से हैं। हसन भाई इधर से थोड़ा सा मुझे व्यू करने दें, सिटी देखने दें और उसके बाद हम नीचे चलते हैं। ये देखें जी, ले जी हसन भाई अब नीचे का रास्ता स्टार्ट कर दिया उन्होंने और मैं भी नीचे जा रही हूँ। देखें जी कितनी ऊंचाई है, आपको पूरा सिटी नज़र आ रहा है और हसन भाई को देखें किधर पहुँच गए। और अभी हम नीचे जा रहे हैं जी आस्ता आस्ता, और चढ़ना बड़ा मुश्किल था क्योंकि चढ़ते हुए मुझे बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही थी और उतरते हुए मुझे फील ही नहीं हो रहा कि मैं थका हुआ, तो चढ़ना ही मुश्किल है यहाँ पर। और चढ़ने के बाद जो ये देखें गाइस, कितना प्यारा व्यू है, कितना खूबसूरत सिटी है। हसन भाई काफ़ी दूर निकल गए हैं तो मैं थोड़ा सा तेज़ तेज़ चलता हूँ जी हसन भाई के पीछे पीछे, ये ना हो कि वो आगे निकल जाएं। और मुझे इतना सिटी का पता भी नहीं है और उनके बगैर सिटी को एक्सप्लोर करना मेरे लिए नामुमकिन है। अभी हसन भाई की जान नहीं छोड़नी, अभी उनसे नंबर ले लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े हसन भाई की, हसन भाई से कॉन्टेक्ट कर दिया जाए। नीचे का रास्ता काफ़ी आसान और बड़ी जल्दी हम नीचे भी पहुंच गए हैं। सीढ़ियों का ख़त्म हो गया, अब थोड़ा सा पत्थरों वाला रास्ता है, उसके ऊपर थोड़ा सा संभल के चलना है, अगर स्लिप हो गए तो कोई एक कदी हटी गई।